दिन से इतनी हवा चल रही है। कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ कि आप सभी एकदम मस्त स्वस्थ और मज़े में होंगे। हम भी एकदम मस्त स्वस्थ और मज़े में हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण और गुड आफ्टरनून। तो आज बज गए हैं दोपहर के 12:15 और सुबह का जो सब रूटीन काम होता है वो हो चुका है फिनिश। और आज जो है ना, हमारे यहाँ बहुत ही हवा चल रही है और धूल मिट्टी भी इतनी उड़ रही है कि दिन में 2 से 3 बार पोछा जो है ना वो लगाना पड़ता है। तो सुबह के टाइम का पोछा जो है ना वो मैंने लगा दिया है। तो हमारे यहाँ 2 दिन से बहुत पवन हवा जो है ना वो चल रही है। और यहाँ पे मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, कपड़े जो मैंने सुखाए हैं ना वो भी ऐसे 2 से 3 जो कपड़े की क्लिप लगाने की क्लिप होती है ना वो लगानी पड़ती है, नहीं लगाएंगे तो कपड़े भी उड़ जाएंगे। तो आज इतनी हवा जो है ना चल रही है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी यहाँ पे देखो, बाहर की साइड इतनी हवा चल रही है ना, कच्चे कपड़े जो मैंने सुखाए हैं ना वो ऐसे उलट पुलट होके उलट गए हैं। गर्मी जो है ना वो नहीं लग रही है और पूरा दिन ऐसा अच्छा लग रहा है। जो गर्मी थी ना वो ज़्यादा नहीं लग रही है और शाम के टाइम भी तुरंत ऐसे ठंडा हो जाता है। तो इसकी वजह से 2 दिन से गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन मिट्टी जो है ना थोड़ी ज़्यादा उड़ रही है। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो दोपहर का खाना जो है ना वो भी मुझे बनाना है। तो आज तो खाने में शायद सिंपल सा ही मैं बनाऊँगी, अभी तक सोचा नहीं है खाने में मैं क्या बनाऊँगी। यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और इसने है ना सुबह के टाइम नहीं खाया था, आलू पोहा मैंने बनाया था तो अभी भूख लगी है तो वो ये बाउल जो है ना वो लेके बैठ गया है। चलो खा लो। और भूख लगी है मुझे। हाँ, कितनी भूख लगी है? बहुत तेज। तो सुबह क्यों नहीं खाया? सुबह खाता ही नहीं हूँ, कभी कभी खाता हूँ। तो सुबह इसने नहीं खाया था तो वो अभी ये आलू पोहा का बाउल जो है ना वो लेके बैठ रहा है। और आज है ना सुबह मैंने ये चना और मेथी जो है ना भिगो के रखे हैं, इसका अचार जो है ना थोड़ा सा मुझे बनाना है। और इसमें जो अचार बनाया था ना उसका ऐसे पानी जो है ना आम का वो एक खट्टा वाला पानी जो है ना पड़ा है तो इसमें ही इसको भिगोना है। तो 5-6 घंटे इसमें भीग जाएंगे, इसके बाद वो पानी में मैं डाल दूँगी। और आज दोपहर के खाने में सिंपल सा खाना बनाना है, भाखरी जो है ना वो बनानी है मुझे। तो यहाँ पे भाखरी का आटा जो है ना वो मैं छान रही हूँ। और भाखरी जो है ना हम लोग ऐसे गेहूं का जो मोटा आटा आता है ना, थोड़ा सा मोटा रहता है, रोटी का आटा जो होता है ना वो बारीक रहता है, तो इससे भाखरी जो है ना अच्छी बनती है। तो यहाँ पे सिंपल सी भाखरी ही बनाने वाली हूँ और भाखरी के साथ अचार, मुरब्बा और रायता, मिर्चा ये सब होगा वो खा लेंगे, और उसके साथ छाछ। और आज जो है ना सब्जी फ्रिज में फिनिश हो गई है तो इसलिए भाखरी और अचार और मुरब्बा जो है ना दोपहर के टाइम हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर भाखरी जो है ना वो मैं बना रही हूँ। अभी यहाँ पे आटे में मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे मैं एकदम टाइट, यानी कि एकदम टाइट वाला आटा जो है ना वो लगा लूँगी। तो यहाँ पे आटा जो है ना नरम नहीं लगाना है, भाखरी का आटा जो होता है ना एकदम ऐसे कड़क होता है। तो अभी यहाँ पे आटा जो है ना वो मैं लगा रही हूँ, और आटा लगाने के बाद इसको ढक के मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी ताकि आटा जो है ना अच्छा हो जाता है। तो अभी यहाँ पे आटा को ढक के थोड़ी देर के मैंने रेस्ट दे
दिया। उसके बाद अभी थोड़ा सा ऑयल डाल के आटे को अच्छे से मैं गूंद लूँगी और उसके बाद अभी यहाँ पे भाखरी जो है ना वो मैं बना लूँगी। और ये भाखरी जो है ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बिस्किट की तरह ही लगती है, जैसे हम खारे वाले बिस्किट जो होते हैं ना खाते हैं ना नमकीन बिस्किट वैसे ही लगती है। तो अभी यहाँ पे भाखरी जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। और भाखरी जो है ना मिट्टी की जो हम लोग इसे बोलते हैं तवी बोलते हैं, तो मिट्टी वाली जो आती है ना उसमें बनाते हैं, लेकिन मेरी जो है ना टूट गई है, तो अभी मैं जो जिस पे रोटी बनाती हूँ ना उस पे ही मैं बना लूँगी। और यहाँ पे आटा देखो इतना टाइट होता है कि थोड़ा बेलने में भी ऐसे वजन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे भाखरी जो है ना वो मैं बेल लेती हूँ और उसके बाद सभी भाखरी को यहाँ पे मैं ऐसे सेक लूँगी। तो भाखरी बेलने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सेकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और रोटी की तरह नहीं होती, थोड़ी सी जाड़ी होती है। तो यहाँ पे पहली भाखरी मैंने बेल ली है और इसके अंदर ऐसे चम्मच की सहायता से मैं डिज़ाइन जो है ना वो बना लूँगी ताकि भाखरी जो है ना दोनों तरफ अच्छे से ऐसे सेक जाएंगी। तो अभी भाखरी बनाने के लिए गैस की आंच जो होती है ना वो भी मीडियम ही रखनी होती है और इसको ऐसे सेकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एकदम क्रिस्पी और बिस्किट की तरह होती है। और यहाँ पर पहली वाली भाखरी जो है ना वो मैं सेक रही हूँ और ऐसे कपड़े की सहायता से इसको ऐसे दबा दबा के अच्छे से ऐसे घिस घिस के चारों तरफ से अच्छे से सेक लेनी होती है। और इसके लिए ये वो जो लकड़ी का आता है ना वो भी अच्छा रहता है दबाने के लिए, लेकिन मैं ऐसे कपड़े से ही पहले से करती हूँ ना तो मुझे कपड़ा ही अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे पहली वाली भाखरी जो है ना वो रेडी हो गई है और गर्मा गर्म भाखरी के ऊपर ऐसे घी लगा के सुबह नाश्ते में खाने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पहली वाली भाखरी हो गई है रेडी और उसके ऊपर गर्मा गर्म घी जो है ना वो मैंने लगा दिया है। और उसके बाद अभी भाखरी तो जो है ना वो सभी मैंने बेल ली है और अभी यहाँ पर आसपास में जो बिखरा पड़ा हुआ है वो मैं ठीक कर लेती हूँ और छाछ जो है ना वो मुझे बनानी है तो वो बना लेती हूँ। और भाखरी ऐसे बेलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन भाखरी को ऐसे सेकने में थोड़ा टाइम जाता है, तो इसीलिए भाखरी साइड पे हो रही है। और अभी यहाँ पे किचन पे ऊपर जो पड़ा हुआ है वो मैं समेट लेती हूँ और छाछ जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पे दोपहर का खाना जो है ना वो बन गया था और यहाँ पे आगे के हॉल में मेरा बेटा जो है ना कब से खेल रहा था, मैं अंदर किचन में खाना बना रही थी और यहाँ पे हम दोनों ही बैठ गए हैं दोपहर का खाना खाने के लिए। और आज के दोपहर के खाने में तो सिंपल सी भाखरी अचार और मुरब्बा है और उसके बाद मैंने दोपहर का सब कुछ काम जो है ना वो फिनिश किया। फाइनली अभी यहाँ पे दोपहर का काम फिनिश किया और अभी यहाँ पे हम दोनों बैठ गए हैं गेम खेलने के लिए। तो गेम क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दो लोग के बीच में खेली जाती है और हम छोटे थे ना तब ये गेम जो है ना हम लोग स्कूल में भी बहुत खेलते थे। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ना, ऐसे सबसे पहले ऐसे ऐसे डॉट बनाने होते हैं, छोटे छोटे डॉट जो है ना मैंने बनाए हैं यहाँ पे, इतने जो है ना इस ये वाले बाकी है। तो ऐसे डॉट बनाने होते हैं और उसके बाद दो लोग दो या तीन चार जितने भी खेलने होते हैं वो खेल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टर्न लूँगी, तो पहले ऐसे पहले लाइन बनानी है। ये पहला मेरा टर्न हो गया, अभी इसका टर्न आएगा। चल तू बना। तो इसने यहाँ पे बनाया। तो ये गेम में क्या होता है ऐसे बारी बारी टर्न जो है ना वो आएगा सबका। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया ओके, और उसके बाद यहाँ पे मेरा बेटा बनाएगा। चल तेरा टर्न बना। यहाँ पे देखो इसने बनाया और उसके बाद अभी ये रूल्स बता रही हूँ क्या है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ ओके। तो अभी इसका टर्न आएगा। चल तेरा टर्न। तो अभी इसका टर्न हुआ, तो यहाँ पे देखो एक स्क्वायर फिनिश हुआ। तो ये स्क्वायर उसका बना ना उसके टर्न में, तो भी वो उसका उसके नाम का लेटर लिखेगा के। तो ऐसे ही टर्न बाय टर्न आता जाएगा और इसका स्क्वायर फिनिश हुआ ना तो उसको दूसरी बार टर्न मिलेगा, तो दूसरी बार वो बनाएगा। तो इधर दूसरा स्क्वायर हुआ, उसने लिखा के और अभी फिर से उसको टर्न मिलेगा क्योंकि उसका स्क्वायर फिनिश हुआ ना इसीलिए, तो उसका टर्न फिर से।
तो उसने यहाँ पे ऐसे बनाया। तो ऐसे ही जिसके स्क्वायर बनेंगे वो अपने नाम का लेटर लिखेगा, जिसका ज़्यादा लेटर होगा वो गेम में फिनिश होगा। तो ऐसे हम दोपहर के टाइम गेम खेलने के लिए बैठ गए हैं, मैं और मेरा बेटा। पूरा तुझे ही मिलेगा, है ना? तो फाइनल भी गेम जो ना यहाँ पे फिनिश ही वाली है, क्योंकि ये पूरी लाइन जो है ना मेरे बेटे को ही मिलने वाली है, इसको ही मिलने वाली है यहाँ पे ये पूरी लाइन। और अभी ये गेम जो है ना वो फिनिश हो गई है, बाद में काउंट करेंगे किसके कितने नंबर हुए, के कितने हैं और 54 कितने हुए, 54। अभी मेरे सी काउंट करती हूँ, ओके कितने हुए। तो यहाँ पे मेरे सी जो है ना 36 हुए हैं और इसके 54 हुए हैं, तो विनर हुआ है मेरा बेटा। ये गेम खेलने में विनर हुआ है ये छोटे राजा मेरा बेटा, इसके 54 हुए हैं और मेरे बने हैं 32। तो अभी विनर हुए हैं ये छोटे राजा। और ये गेम जो है ना हम लोग छोटे थे ना तो बहुत खेलते थे और बहुत मज़ा आता है। और कल दोपहर के टाइम हम लोग जो स्क्वायर जो क्रॉस और ज़ीरो की जो गेम खेलते हैं, सुन चोकड़ी बोलते हैं हम लोग, वो खेली थी। तो अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज के व्लॉग का एंड। आज का व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।